subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में हम बात करेंगे मेहरानगढ़ किले के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो का लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों मेहरानगढ़ का किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। ये किला जोधपुर किलों में सबसे बड़े किलों में से एक है। आज हम इसी मेहरानगढ़ किले के बारे में जानेंगे। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और भारत के विशालतम किलों में इसका समावेश है। इसका निर्माण 1460 में राव जोधा ने किया था। ये किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मोटी दीवारों से संलग्नित है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस है जो विशेष जटिल नक्शा थी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। शहर के निचले भाग से किले में आने के लिए घुमावदार रास्ता भी है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोलों द्वारा किए गए आक्रमण की झलक क्या आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस किले के बाईं तरफ कीरत सिंह सोड़ा की छतरी है जो एक सैनिक था और जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें जयपाल सिंह का गेट का भी समावेश है जिसे महाराजा मैन सिंह ने जयपुर और बीकानेर की सेना पर मिली जीत के बाद बनाया था। फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों की हार की याद में बनाया था। किले पर पाए जाने वाले हथेली के निशान आज भी हमें आकर्षित करते हैं। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। किले के म्यूजियम के एक विभाग में पुराने शाही पालकियों को रखा गया है जिनमें विस्तृत गुम्बददार महाडोल पालकी का भी समावेश है जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर के युद्ध में जीता गया था। ये म्यूजियम हमें राठौर की सेना पोशाक चित्र और डेकोरेटेड कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। राठौर वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1459 में उन्होंने जोधपुर प्राचीन समय में जोधपुर मारवाड़ के नाम से जाना जाता था इसकी खोज की थी। रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे और 15 में राठौर शासक बने। सियासन के विलय के एक साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं था। भरोसेमंद सहायक राव नारा राव सम्राट के बेटे के साथ मेवाड़ सेना को मंडोर में ही दबा दिया गया। इसी के साथ राव जोधा ने राव नारा को दीवाना का शीर्षक भी दिया। राव नारा की सहायता से 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण से 9 किलोमीटर दूर चट्टानी पहाड़ी पर रखी गई। इस पहाड़ी को भोचेरिया पक्षियों के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। लीजन के अनुसार किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों में मानव निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया था। चिड़िया नाथ जी के नाम के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता था। बाद में चिड़िया नाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई तब उन्होंने राव जोधा को श्राप देते हुए कहा, जोधा हो सकता है कभी तुम्हारे घर में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाए जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे। लेकिन फिर भी उनके श्राप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। हर 3 से 4 साल में कभी ना कभी वहाँ पानी की जरूरत पड़ती है। मेहरानगढ़ राजस्थानी भाषा उच्चार है। इनके अनुसार मेहरीगढ़ बदल कर ही बाद में मेहरानगढ़ बन गया। सूर्य देवता ही राठौर साम्राज्य के मुख्य देवता थे। किले का निर्माण वास्तविक रूप से 1459 में राव जोधा ने शुरू किया था जो जोधपुर के निर्माता थे। जोधपुर में मेवाड़ के जसवंत सिंह के समय के किले आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन मेहरानगढ़ का किला शहर के मध्य में बना हुआ है और पहाड़ की ऊंचाई 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी है जो राजस्थान के ऐतिहासिक पैलेस और सुंदर किले की रक्षा किए हुए है। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध द्वारों का उल्लेख नंबर 1 पर है जयपोल। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। दूसरा है फतेहपोल। इसका निर्माण 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया गया। नंबर 3 पर है डेड कंगरल पोल, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी का डर लगा रहता है। नंबर 4 पे लो पोल, ये किले का अंतिम द्वार है जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाएं तरफ ही रानियों के हाथों के निशान है
जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मानसिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। इस किले के भीतर बहुत से बेहतरीन चित्रित और सजे हुए महल है, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाने शामिल है। साथ ही किले की म्यूजियम में पालकियों, पोशाकों, संगीत वाद्य, शाही पालनों और फर्नीचरों को जमा किया हुआ है। किले की दीवारों पर तोपें भी रखी गई है, जिससे इसकी सुंदरता को चार चांद भी लग जाते हैं।